कार्य का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर आखिर किस बच्चे का मन उसमें बैठने या फिर उसे उड़ाने का ना करता होगा। उड़ते देखकर उसके बारे में जानने की उत्सुकता तो हर एक के मन में होती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस उत्सुकता को कभी मिटने नहीं देते और अपने सपने को साकार करने का हर एक मुमकिन प्रयास करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द रियल हीरो ऑफ इंडिया राकेश शर्मा की। यह नाम तो आपने जनरल नॉलेज की बुक में सुना ही होगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। जल्द ही भारत के इस हीरो की बायोपिक बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। सैल्यूट नाम से बनाई जाने वाली इस फिल्म में राकेश शर्मा का किरदार शाहरुख खान निभाते नजर आएंगे। दोस्तों, अपने सपनों का पीछा करते हुए सिर्फ 17 साल की उम्र में राकेश शर्मा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। उम्र के उस पड़ाव में जब दूसरे बच्चे व्यर्थ के चीजों में समय व्यतीत कर देते हैं, उस समय राकेश शर्मा एयरफोर्स में ट्रेनी पायलट बनके अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा कर रहे थे। मात्र 21 साल के उम्र में राकेश शर्मा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किए और दोस्तों यहीं से उन्होंने वो कारनामे दिखाने शुरू किए जो उस उम्र के लिहाज से बहुत बड़े थे। अभी पायलट की ट्रेनिंग शुरू हुए एक साल ही हुए थे कि इसी बीच 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने सबसे शक्तिशाली विमान MiG-21 सुपरसोनिक जेट फाइटर से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, ध्वनि की रफ्तार से भी तेज चलने वाली MiG-21 सुपरसोनिक जेट फाइटर एक ऐसा विमान है जो अकेले ही लड़ाई का फैसला करने में सक्षम है। 1971 में भारत के पास ऐसे कई फाइटर जेट्स थे, यहाँ तक कि बाहर के कई देशों के पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर में इसकी ट्रेनिंग लेने को आते थे। इसी युद्ध के बाद राकेश शर्मा चर्चा में आए और लोगों ने उनकी योग्यता की जमकर तारीफें की। उनकी कौशल को देखते हुए 1984 में उन्हें भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और पायलट के पद पर नियुक्त किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत इंटरकॉस्मोस अंतरिक्ष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्हें 20 सितंबर 1982 को एक अंतरिक्ष यात्री बनने और अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया। दोस्तों, ये चुनाव की प्रक्रिया भी काफी जटिल थी। भारत से करीबन 100 फाइटर जेट पायलट्स को चुना गया और कड़ी परीक्षण के बाद सिर्फ 4 लोगों को चुनकर यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रसिया भेजा गया, जहां हेल्थ चेकअप के बाद सिर्फ राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को फाइनल ट्रेनिंग के लिए चुना गया और फिर यहीं से इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 0 ग्रेविटी से लेकर 4 times ग्रेविटी में खुद को सस्टेन करने की कठोर ट्रेनिंग दी गई। दोस्तों, 4 times ग्रेविटी और उसके अनुकूल ट्रेनिंग के बारे में राकेश शर्मा से बेहतर और कौन बता सकता है। If you're weighing 60 kilos at 1G, when you double the force of gravity, you weigh 120 kilos. And at 4 times the force of gravity, you weigh 240. Every component of your body weighs 4 times. So your rib cage presses towards your spine, leaving no space for your lungs to expand. Breathing becomes difficult. ट्रेनिंग के दरमियान ही उन दोनों में से एक राकेश शर्मा को स्पेस में जाने के लिए चुना गया। सिर्फ 8 दिनों की स्पेस जर्नी के लिए दोस्तों उन्हें 18 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के उपरांत आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। 2 अप्रैल 1984 का वो ऐतिहासिक दिन था जब तत्कालीन सोवियत संघ के बैकेन्यूर से सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी, जिनमें से एक भारतीय मूल के राकेश शर्मा भी थे। और लॉन्च के ठीक 8 मिनट्स के बाद वो अंतरिक्ष में पहुंच गए और इसी के साथ वो विश्व के 138वें और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए और भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश बन गया। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताया। इस अंतरिक्ष दल ने कुल 43 प्रयोग किए जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन शामिल था। इस मिशन पर राकेश शर्मा को बायोमेडिसिन, मटेरियल प्रोसेसिंग एक्सपेरिमेंट्स और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ने राकेश शर्मा को सूजी का हलवा, छोले और पुलाव जैसे भारतीय फूड अंतरिक्ष में ले जाने का मौका दिया था। इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान फ्लाइट क्रू ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ एक ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा अपना भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तब राकेश शर्मा ने जवाब देते हुए कहा, जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा। वो
ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। धरती से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह सवाल और अंतरिक्ष यान से भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के इस जवाब ने हर एक हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण को लाखों भारतवासियों ने अपने टेलीविजन सेट पर देखा। करीब 8 दिन बिताने के बाद जब वो अंतरिक्ष से वापस लौटे तो सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से नवाजा। भारत सरकार ने भी उन्हें शांति काल के सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये अशोक चक्र सभी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को दिया गया था और भारत के इतिहास में ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ था कि किसी विदेशी नागरिक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया हो। दोस्तों ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस से रिलेटेड फिल्म होगी जो एक ऐतिहासिक पल को सबके सामने लाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, शाहरुख खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।